कौन सी चीज खाने से वीर्य गाढ़ा बनता है, इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो आज बताने वाला हूं मैं ऐसी दो चीजें जो आप खाने में मिलाते हैं या एज ए दवाई करके लेते हैं तभी भी चलता है, तो फिर इससे वीर्य गाढ़ा बन सकता है। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अखरोट जो है ना, अखरोट बहुत आम आदमी खा सकता है, इजीली मिलता है। वॉलनट, इसमें विटामिन ई का बहुत ज़्यादा प्रमाण रहता है। इसमें मेलाटोनिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये भी रहता है। तो ये यदि खाते हैं अखरोट, एक 4-5 अखरोट रोज खाते हैं वैसी, तो ये बहुत लाभकारी होते हैं। इसमें स्पर्म काउंट बढ़ता है, वीर्य गाढ़ा भी बन सकता है, और ये रोज खाए तो बहुत अच्छा है, अखरोट वॉलनट। दूसरा है शतावरी, एस्पेरेगस। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और ये शतावरी जो है वो सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल इंटरेस्ट मतलब इच्छा, रुचि बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना और वीर्य गाढ़ा बनाना, इसमें बहुत काम का है शतावरी। ये यदि अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ में लेते तो बिल्कुल बेहतरीन, उसके जैसा तो कॉम्बिनेशन है नहीं, शतावरी, अश्वगंधा और शिलाजीत। मगर वो नहीं मिला सकते तो ठीक है, शतावरी ले सकते हैं आप। और शतावरी में एक चूर्ण जैसा है ये, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है। विटामिन ई से क्या होता है कि पेनिस को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बढ़ता है विटामिन ई से। पोटेशियम है इसमें, पोटेशियम से टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्स हार्मोन की लेवल बढ़ती है। फोलेट है और विटामिन B6 है। तो एस्पेरेगस बहुत ही बढ़िया है। ये थोड़ा मीठा और कड़वा होता है, तो इसमें दूध या जूस में लेना अच्छा है। आप ये दिन में 2 बार लेते हैं तो एक आधा चम्मच मतलब 5 ग्राम गुनगुना दूध करना है, थोड़ा सा गर्म दूध करना है, और सवेरे शाम 2 बार लेना है, बहुत बढ़िया है। वैसे शतावरी की तासीर जो है वो शीत है, यानी कि ठंडी होती है। शतावरी ठंडा है तो वो बदन में गर्मी नहीं बढ़ा देता, मतलब गर्मी अलग तरह की, सेक्सुअल गर्मी नहीं, एक्चुअली सेक्सुअल गर्मी बढ़ाता है मगर बाकी गर्मी शांत करता है। हृदय रोग जिनको है उन्होंने शतावरी नहीं लेना चाहिए। शतावरी महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है, महिलाओं की प्रजनन शक्ति में सुधार होता है, महिलाओं की सेक्स करने की इच्छा बढ़ाता है। तो यदि आपकी पार्टनर ज़्यादा इच्छा नहीं बताती है, उत्सुक नहीं है, ना बोलती है, तो शतावरी दोनों ने लेना बहुत अच्छा है, मगर गर्भावस्था में शतावरी का प्रयोग टालना चाहिए, शतावरी नहीं लेना चाहिए। तो शतावरी बहुत ही बढ़िया है। शतावरी यदि आप अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ में लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। 5 ग्राम रोज सुबह शाम 2 बार गर्म दूध में या जूस में लेते तो बहुत बढ़िया। वीडियो आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करें, बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं। ये कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएंगे शतावरी की पाउडर। थैंक यू वेरी मच।